इसको करने के बाद ओके okay कर देंगे ओके okay करने के बाद okay हम एक न्यू सॉलिड लेंगे और इसका नाम हम रख देंगे बीजी और इसका कलर हम कर देंगे ब्लैक इसको ओके okay करेंगे इसके बाद हम एक और सॉलिड uh, लेयर लेंगे और इसका नाम हम रख देंगे स्टार्स। और इसका कलर हम कर देंगे वाइट कलर वाइट करने के बाद हम इसमें एक अफेक्ट ऐड करेंगे सीसी स्टार ब्रश ये अफेक्ट ऐड करने के बाद इसकी सेटिंग हम कर लेंगे इसकी फाइनल सेटिंग कुछ ये होगी मैं वीडियो शॉर्ट करके बना रहा हूँ तो इसलिए मैंने आपको पूरी सेटिंग नहीं दिखाई आप इस हिसाब से सेटिंग कर लेंगे तो ये परफेक्ट सेटिंग आ जाएगी इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसे चाहें उसके बाद हम प्रोजेक्ट में आएंगे और सबसे पहले अर्थ ऑपरेटिंग अल्फ़ा की वीडियो को टाइमलाइन पर ड्रैग कर लेंगे उसके बाद जेफ बेजॉस की वीडियो को भी टाइम तस्वीर को भी टाइमलाइन पे पर कर लेंगे इसके अलावा हेड और ट्रॉफी की इमेज को भी हम इस पर ड्रैग कर लेंगे उसके बाद हम इन चारों को सेलेक्ट करके थ्री में कन्वर्ट कर लेंगे थ्री में कन्वर्ट करने के बाद हम इसके यहाँ से व्यू वन को टू व्यूज़ कर देंगे और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसका टॉप व्यू आ जाएगा अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें हमें जो है लेयर्स को तो हमें सेट करना है कौन सी लेयर आगे होगी कौन सी लेयर पीछे होगी तो हम पहले ही इसको सेट कर रहे हैं ताकि आगे आके जब हम एनिमेशन करें तो हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े तो सबसे पहले हम अर्थ की लेयर को सेलेक्ट करेंगे और इसके यहाँ से पकड़ के इसकी जेड एक्सेस को इस तरह पीछे ले जाएंगे इस तरह पीछे ले जाने के बाद हम इसके स्केल में आएंगे और इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेंगे उसके जेफ बेजोस की इमेज को सेलेक्ट करेंगे और इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पीछे की जानब ले जाएंगे और ट्रॉफी और हेड को हम यहीं रहने देंगे ये करने के बाद हम वापस अपने फर्स्ट व्यू में आ जाएंगे उसके बाद हम फिलहाल अपनी इन तमाम लेयर्स को हाइड कर देंगे और अर्थ लेयर के ऊपर हम एक अफेक्ट हेड करेंगे ह्यू एंड सेचुरेशन इसको ऐड करने के बाद इसकी वैल्यू हम कर देंगे तकरीबन 320 तो ये हमारे पास ग्रीन कलर में आ जाएगी उसके बाद हम इसमें ट्राइटोन अफेक्ट ऐड करेंगे और इसके मिड टोन्स का कलर हम चेंज करेंगे और कलर चेंज करके हम कर देंगे ये इसको ओके करेंगे और इसके ब्लैंड विथ ओरिजिनल की वैल्यू को हम कर देंगे 79 उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे ग्लो अफेक्ट और ग्लो की वैल्यू जो होंगी वो हम कुछ ये कर देंगे ग्लो का थ्रेश होल्ड हंड्रेड परसेंट कर देंगे ग्लो रेडियस फोर सिक्सटी फाइव कर देंगे और ग्लो इंटेंसिटी ज़ीरो परसेंट कर देंगे ये करने के बाद हम इसमें एक गोशन बिलर अफेक्ट ऐड करेंगे गोशन बिलर अफेक्ट ऐड करने के बाद हम फिलहाल इसमें कुछ भी चेंजिंग्स नहीं करेंगे ये आगे काम आएगा तो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या चेंजिंग्स करनी है उसके बाद हम अर्थ की प्रॉपर्टीज ऑन करेंगे और ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज में आके इसके वेरी फर्स्ट फ्रेम पर आएंगे और इसकी पोजीशन और स्केल पर की फ्रेम लगाएंगे और इसकी पोजीशन की वैल्यूज हम कुछ ये कर देंगे नाइन्थ सिक्सटी वन जीरो सेवन एट एंड वन जीरो फोर राइट उसके बाद एक सेकेंड और दस फ्रेम पर आएंगे और हम इसकी पोजीशन पर दोबारा की फ्रेम लगाएंगे और इसकी पोजीशन की वैल्यूज कुछ हम ये कर देंगे उसके बाद हम इन दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करेंगे और ग्राफ एडिटर में जाके इसको कुछ इस तरह हम चेंज कर लेंगे तो ये हमारी कुछ इस तरह एनिमेशन बन जाएगी उसके बाद हम फर्स्ट फ्रेम पर आएंगे और जेफ बेजोस की तस्वीर को ऑन करेंगे और पी दबा के इसकी पोजीशन ऑन करेंगे और शिफ्ट एस से इसका स्केल ऑन करेंगे और इसकी पोजीशन की वैल्यूज हम कुछ ये कर देंगे और इसके ऊपर हम की फ्रेम ऐड करेंगे और इसके स्केल का साइज हम कर देंगे सिक्सटी उसके बाद इसमें भी एक सेकंड दस फ्रेम पर आएंगे और इस पर एक और की फ्रेम लगाएंगे और इसकी वैल्यूज हम ये कर देंगे उसके बाद इन दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके ग्राफ एडिटर में आएंगे और इस तरह इसकी ग्राफ की वैल्यू को हम चेंज कर लेंगे अब एक बार प्ले करके देख लेते हैं हमारे पास क्या एनिमेशन बनी नाइस nice. उसके बाद हम इस लेयर को सेलेक्ट करके इसमें एक अफेक्ट लगाएंगे डीप ग्लो और इसकी सेटिंग्स ये होंगी उसके बाद हम इस पर सिर्फ पी दबा के इसकी पोजीशन की प्रॉपर्टी को ओपन कर लेंगे और इसमें पेज डाउन की वजह से एक फ्रेम आगे जाएंगे और इस पर दोबारा की फ्रेम लगाएंगे उसके बाद हम सेकंड और तकरीबन सात फ्रेम पे आएंगे और एक और की फ्रेम लगाएंगे और इनकी वैल्यूज़ को कुछ इस तरह चेंज कर लेंगे तो एग्जैक्टली exactly, इस तरह उसके बाद हम इसके इन दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करेंगे और दोबारा इसके ग्राफ एडिटर में जाएंगे और इसको कुछ इस तरह कर लेंगे इसी तरह हम एक फ्रेम ग्यारह सेकंड पर आएंगे और अर्थ की पोजीशन को ओपन करेंगे और इस पर भी एक की फ्रेम लगाएंगे और फिर इसके भी 6 सेकंड सात फ्रेम पे आके की फ्रेम लगाएंगे और वैल्यूज़ को कुछ ये कर लेंगे और इसके भी इन दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट कर कर इनको जो है हम इसके ग्राफ एडिटर में जाएंगे और इनकी वैल्यूज़ भी थोड़ी सी हम चेंज कर लेंगे कुछ इस तरह ठीक है जी प्ले करके देखते हैं अब हमारी क्या एनिमेशन बन रही है अभी राइट गुड right, उसके बाद हम पोजीशन के 6 सेकंड आठ फ्रेम पर आएंगे और दोबारा एक की फ्रेम लगाएंगे उसके बाद नौ सेकंड पर आके दोबारा एक की फ्रेम लगाएंगे और उसकी वैल्यूज को कुछ इस तरह कर लेंगे उसके बाद इन दोनों की फ्रेम्स को भी सेलेक्ट करेंगे और इसके ग्राफ एडिटर में आके इनको भी थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे ये एक ग्राफ एडिटर में इसको इनकी वैल्यूज़ को चेंज करने से एनिमेशन थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है उसके बाद हम दो अर्थ की लेयर को सेलेक्ट करेंगे और इसके भी छः सेकंड आठ फ्रेम पे आके की फ्रेम लगाएंगे और वापस इसके नौ सेकंड पे आके की फ्रेम लगाएंगे और इसकी वैल्यूज़ को ये कर लेंगे और इसी तरह इन दोनों की फ्रेम्स को भी हम सेलेक्ट करेंगे और इसके ग्राफ एडिटर में आके थोड़ा सा इनको भी चेंज कर देंगे ताकि ये स्मूथ हो सके ओके जी अब एक बार प्ले करके देख लेते हैं हमारी एनिमेशन अब तक क्या बनी है। नाइस ना इसकी ओरिजिनल एनिमेशन को देखें तो चार सेकंड पर इसके राइट साइड से एक ट्रांजिशन आती है और ब्लू वर्ल्ड जो है वो रेड हो जाती है तो चलें इसको बनाते हैं कि ये कैसे होगा उसके लिए सबसे पहले हमें ट्रांजिशन बनानी पड़ेगी तो चलें ट्रांजिशन बनाते हैं ट्रांजिशन बनाने के लिए हम ग्रंच ओवल का इस्तेमाल करेंगे इसको टाइम लाइन पर ड्रैग करेंगे और इसको टाइम लाइन पर ड्रैग करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट सी की मदद से प्री कम्पोज कर लेंगे और इसका नाम हम रख लेंगे ट्रांजिशन और इसको हम कर देंगे मूव ऑल एट्रीब्यूट इनटू टू दी न्यू कंपोजिशन और इसको हम ओके कर देंगे ओके करने के बाद हम इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे अभी आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है इसको ट्रांसपेरेंसी दिख ले हैं ये इस तरह ये है इसके बाद हम इसमें एक ब्लैक सॉलिड लेयर ऐड करेंगे और इसको हम लेकर आ जाएंगे ड्रैग करके नीचे उसके बाद हम इस ब्लैक सॉलिड को सेलेक्ट करके टी प्रेस करेंगे तो इसकी ओपेसिटी ओपन हो जाएगी और इसके एक सेकंड पे आकर हम इस पर की फ्रेम ऐड करेंगे उसके बाद इसके हम फर्स्ट फ्रेम पर आएंगे और ओपेसिटी की वैल्यू को हम कर देंगे जीरो तो उससे क्या होगा ये देखेंगे एक इस तरह की ट्रांजिशन बन जाएगी राइट right. उसके बाद हम मेन कंपोजिशन में वापस जाएंगे और इसको चार सेकंड पर हम सेट कर देंगे यहाँ सेट करने के बाद हम राइट right क्लिक करके एक एडजस्टमेंट लेयर बनाएंगे और इसको ड्रैग करके ट्रांजिशन के नीचे लेकर आ जाएंगे और इसमें हम एक अफेक्ट ऐड करेंगे चेंज टू कलर और इसका पहला कलर जो होगा वो ये होगा इसको हम ओके करेंगे और इसका जो सेकंड कलर होगा उसको हम कर देंगे रेड और इस एडजस्टमेंट लेयर को भी हम रेड करके चार सेकंड पर ले आएंगे उसके बाद हम अपनी ट्रांजिशन को एज अ मेट यूज करेंगे वो कैसे करेंगे उसके लिए हम यहाँ से इसका मेट का ऑप्शन ऑन करेंगे और एडजस्टमेंट लेयर को सेलेक्ट करके इसका मेट ऑन कर देंगे तो ये इस तरह एक बन जाएगी अब इसको देखें तो ये डायरेक्ट एक किस तरह ट्रांजेक्शन आ रही है लेकिन ओरिजिनल वीडियो में राइट से लेफ्ट पर ट्रांजेक्शन आ रही थी तो वो किस तरह करेंगे उसके लिए हम ट्रांजेक्शन के ऊपर मास्क ऐड करेंगे मास्क ऐड करने से पहले ट्रांजेक्शन की हम पोजिशन ओपन करेंगे और इसके फर्स्ट फ्रेम पे हम की फ्रेम लगाएंगे और तकरीबन एक सेकेंड पे जाकर हम इस पर दोबारा की फ्रेम लगाएंगे और इसके पहले फ्रेम पे आकर हम इसकी पोजीशन को लेफ्ट साइड पर ड्रैग कर देंगे तकरीबन यहाँ पे यहाँ ड्रैग करने के बाद हम इसी को सेलेक्ट करेंगे और पेन टूल की मदद से इसके ऊपर एक मास्क क्रिएट करेंगे कुछ इस टाइप का आप रैंडम सा एक मास्क यूज कर सकते हैं और इस मास्क की आप प्रॉपर्टीज में जाकर इसको ऐड से कर देंगे सब और इसका फैदर हम कर देंगे फिफ्टी तो उससे क्या होगा कि देखें ये इस तरह राइट टू लेफ्ट मूव करेगी और इसकी पोजीशन के की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके हम एफ नाइन से इजी यूज करेंगे और इसके ग्राफ एडिटर में जाकर इसको हम इस तरह चेंज कर देंगे उसके बाद चार सेकंड बीस फ्रेम पे आएंगे और हम मास्क पाथ के ऊपर की फ्रेम ऐड करेंगे और इसके पाँच सेकंड पे आकर हम इसका जो ये मास्क पाथ है इसको हम स्क्रीन इस से बाहर ले जाएंगे कुछ इस तरह अब इसको प्ले करके देखते हैं ये किस तरह कैसी बनी है अच्छा अगर हम गौर से देखें तो हमें कहीं कहीं ब्लू एरिया नजर आ रहा है इसको एडजस्ट करने के लिए एडजस्टमेंट एयर पे क्लिक करेंगे और इसके चेंज टू कलर में आके इसका जो है उसको 5% परसेंट से बढ़ाकर हम छब्बीस परसेंट कर देंगे तो ये देखेंगे इस तरह गायब हो जाएगा उसके बाद हम एडजस्टमेंट लेयर में ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट ऐड करेंगे और ब्राइटनेस की वैल्यू को हम कर देंगे नाइन उसके बाद हम इसमें कर्व्स ऐड करेंगे और इसकी सेटिंग कुछ इस तरह होगी आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं उसके बाद हम अर्थ लेयर को सेलेक्ट करेंगे और इसके ट्राइटोन अफेक्ट को ओपन करके इसमें की फ्रेम्स ऐड करेंगे और तकरीबन पाँच सेकंड पे जाकर इसकी हाइलाइट्स का कलर हम ब्लैक कर देंगे इसके मिड टोन्स का कलर हम थोड़ा रेडिश कर देंगे और ब्लेंड विद ओरिजिनल को हम कर देंगे ज़ीरो परसेंट यूँ दबा के हम इसकी प्रॉपर्टीज ओपन कर लेंगे इन सब को सेलेक्ट करके एफ नाइन से इजी ईज कर लेंगे और इसको थोड़ा सा प्ले करके देख लेंगे इसकी जो हाइलाइट्स हैं इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह अब प्ले करके देखते हैं कैसा लग रहा है नाइस nice. अब एक बार शुरू से एनिमेशन प्ले करके देख लेते हैं कि कैसी लग रही है उसके बाद जेब बिलॉस वाली लेयर को सेलेक्ट करेंगे और इसके फर्स्ट की फ्रेम पर आएंगे और इसमें हम गोशन ब्लर ऐड करेंगे और इसके ब्लरिंग के ऊपर की फ्रेम लगाएंगे और इसके की फ्रेम ओपन करेंगे और इसके एक सेकंड पर आकर हम दोबारा इस पर की फ्रेम लगाएंगे और फिर फर्स्ट की फ्रेम पे जाएंगे और इसका ब्लर बढ़ा देंगे अराउंड ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स हम इसका ब्लर कर देंगे उसके बाद इन दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके F9 से ईज कर देंगे ना एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि हमारी अभी तक की एनिमेशन कैसी लग रही है नाइस nice. उसके बाद हम अर्थ लेयर को सेलेक्ट करेंगे और S से इसकी स्केल प्रॉपर्टी को ओपन करेंगे और छह सेकंड आठ फ्रेम पर आएंगे और इस पे की फ्रेम ऐड करेंगे और नौ सेकंड पे जाकर इसका स्केल हम कर देंगे वन सिक्सटी थ्री और दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके एफ नाइन से इजी ईज कर देंगे उसके बाद सात सेकंड चौदह फ्रेम पे आएंगे और टी से इसकी ओपेसिटी उप, ऑन करेंगे और इस पर की फ्रेम ऐड करेंगे और इसके भी नौ सेकंड पे जाकर इस की ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी लो कर देंगे हम हाँ। ना आप ट्रॉफी और हेड लेयर को सेलेक्ट करके इसको ओपन करेंगे और सात सेकंड ग्यारह फ्रेम पे आके इन दोनों को एडजस्ट कर लेंगे और इनकी लेयर्स का कलर चेंज कर देंगे ताकि हमें पहचानने में आसानी हो कि हम इन लेयर्स पे काम कर रहे हैं उसके बाद पी दबा के दोनों की पोजीशन ओपन करेंगे ट्रॉफ़ी की पोजीशन के ऊपर हम की फ्रेम लगाएंगे और उसकी वैल्यूज हम ये कर देंगे उसके बाद 9 सेकंड पर आएंगे और दोबारा की फ्रेम लगाएंगे और वैल्यूज़ को ये कर देंगे उसके बाद इसका एस से स्केल हम लेंगे और इसके स्केल की वैल्यू हम कर देंगे 43। थ्री right. राइट उसके बाद इसकी पोजीशन के ऊपर ऑल्ड क्लिक की मदद से हम क्लिक करेंगे और विगल अफेक्ट ऐड करेंगे जिसकी वैल्यूज़ होंगे ये इसी तरह हम हेड की लेयर को सेलेक्ट करेंगे और सात सेकंड ग्यारह फ्रेम पे आके इस पर की फ्रेम लगाएंगे और इसकी पोजीशन की वैल्यूज को हम ये कर देंगे उसके बाद हम नौ सेकंड पे आके दोबारा इसके ऊपर की फ्रेम लगाएंगे और पोजीशन की वैल्यूज को इस ये कर देंगे उसके बाद इसका एस दबा के स्केल की प्रॉपर्टी ओपन करेंगे और स्केल की वैल्यू हम कर देंगे फोर्टी राइट right. और इसमें भी फिर पोजिशन के ऊपर हम सेम विगल एक्सप्रेशन ऐड कर लेंगे और क्लिक की मदद से पोजीशन पर क्लिक करेंगे और ये विगल अफेक्ट ऐड कर लेंगे उसके बाद इन दोनों लेयर्स के की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके F9 से इजी ईज करेंगे और इसके ग्राफ एडिटर में आके इनकी वैल्यूज को कुछ इस तरह चेंज कर देंगे जस्ट लाइक दिस उसके बाद इन दोनों की प्रॉपर्टीज को बंद करके इनमें कुछ अफेक्ट्स ऐड करेंगे चलें वो करते हैं सबसे पहले हम ट्रॉफी में अफैक ऐड कर लेते हैं सबसे पहले हम इसमें ट्राई टोन अफैक ऐड करेंगे और इसके मिड टोन्स का कलर हम कर देंगे ऑरेंज उसके बाद हम इसमें ग्लो अफैक ऐड करेंगे और उसकी सेटिंग ये होंगी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी उसके बाद हम इसमें डीप ग्लो अफैक ऐड करेंगे और उसकी सेटिंग्स कुछ इस तरह होंगी ये आपको सारी इसकी सेटिंग इस स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी अब हम यही तीनों अफेक्ट जो है एग्जैक्टली हेड वाली लेयर के अंदर भी कॉपी करेंगे तो हम तीनों अफेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट की मदद से कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और हेड की लेयर में आके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे तो ये तीनों अफेक्ट इसमें ऐड हो जाएंगे हमारी फाइनल एनिमेशन तकरीबन तैयार हो चुकी है इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि कैसा लुक दे रही है उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा अगर आज की वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके जरूर आगाह करें मिलते हैं अगली वीडियो में